जैसे कि आपको पता है कि आइकू 7 सीरीज ने इंडिया में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे धमाल मचाया था। अभी तक यहाँ पे ये एक रिकमेंडेड लिस्ट में आते हैं आइकू 7 सीरीज वाले फोन, तो इसीलिए आइकू 8 सीरीज का सभी लोगों को बहुत बेसब्री से इंतजार था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपको पता है कि आइकू 8 सीरीज सिर्फ चाइना में लॉन्च हुई है और इंडिया में ये लॉन्च नहीं हो पाई थी। लेकिन यहाँ पे जो लोग वेट कर रहे थे आइकू 8 का, उनको यहाँ पे निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आइकू 9 यहाँ पे पूरा कन्फर्म्ड है कि इंडिया में लॉन्च होगा। इसकी जो चाइना में जो लॉन्च की डेट है वो यहाँ पर रिवील हो गई है, काफ़ी कुछ यहाँ पर रिवील हुआ है, काफी कुछ स्पेसिफिकेशन है जो यहाँ पे जो लीक थी वो कंफर्म्ड हो गई हैं। तो इसलिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूं जो मैं आईकू 9 सीरीज की आपको लीक के बारे में बताऊंगा। तो वैसे तो आईकू 9 सीरीज के ऊपर मैं वीडियो बना सकता था, लेकिन उसमें आपको पूरी प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं मिली थी जो श्योर होने वाली थी। इस वीडियो में आपको वो इंफॉर्मेशन देने वाला हूं जो काफी हद तक यहां पे कंफर्म्ड है। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए अगर आपके पास यहां पे आईकू का फोन है, या फिर आईकू का फोन बाय करना चाहते हो, या फिर आईकू 9 सीरीज को लेकर एक्साइटेड हो। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो मेरा नाम है लवी और आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल PTG अनबॉक्स। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी लॉन्च डेट को लेके, जो यहाँ पे बिल्कुल कंफर्म्ड है वो है यहाँ पे 5 जनवरी। 5 जनवरी को ये चाइना में लॉन्च हो जाएगा और उसके कुछ टाइम के बाद ये इंडिया में यहाँ पे लॉन्च होता आपको दिख जाएगा। आईकू 8 सीरीज यहाँ पे इंडिया में नहीं लॉन्च हुई है, इसको यहाँ लेके काफ़ी लोग यहाँ पे निराश थे। देखो ये इस चीज़ को आप यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड पे लेके चल सकते हो। अगर मैं पॉजिटिव की बात करूँ तो उस डिवाइस में आपको कुछ ज़्यादा अपग्रेड नहीं मिलना था, तो अगर वो आ भी जाता तो जो बंदों ने आईकू 7 सीरीज़ बाय की थी उनके साथ यहाँ पे काफ़ी बुरा होना था कि अभी तो फ़ोन बाय किया है और ये आईकू 8 सीरीज़ आ गई है, तो ये चीज़ यहाँ पे काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो इसीलिए यहाँ पे आईकू 9 सीरीज आ रही है, कुछ टाइम का यहाँ पे गैप पड़ जाएगा, तो ये चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हो। तो अगर यहाँ पे स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं आईकू 9 सीरीज में जो कन्फर्म्ड, अगर मैं स्क्रीन की बात करता हूँ तो इसमें आपको 6.78 इंच की एक डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है। तो इन्होंने यहाँ पे सैमसंग का पैनल यूज किया है, E5 पैनल, और आईकू 8 सीरीज में जो इन्होंने पैनल यूज किया था वो था यहाँ पे E5 का फर्स्ट जनरेशन, ये अब सेकंड जनरेशन यहाँ पे होने वाला है। और इसमें आपको बताना चाहता हूँ कि जो आपको आईकू 9 प्रो देखने को मिलने वाला है उसमें आपको 2K पैनल देखने को मिलेगा 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। वहीं अगर मैं दूसरी साइड पर बात करता हूँ आईकू 9 सिंपल वाले मॉडल की, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा 120 हर्ट्ज का एक फ्लैट फुल एचडी प्लस डिस्प्ले, उसमें आपको क्वाड एचडी प्लस का डिस्प्ले नहीं देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप डिफरेंस चेकआउट कर सकते हो, तो ये चीज आपको देखने को मिलने वाली है डिस्प्ले के मामले में। इसके अलावा जो अभी कंफर्म्ड हुआ है उसके बारे में बात करते हैं, इसका चिपसेट, तो इसमें आपको देखने को मिलने वाला है स्नैपड्रैगन का लेटेस्ट प्रोसेसर जो कि है स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 प्रोसेसर। वैसे ये प्रोसेसर आपको पता है, काफ़ी सारी आपने न्यूज़ देख ली होंगी, ये हीट अप हो रहा है, बाकी रियल लाइफ में टेस्टिंग करेंगे तो पता चलेगा। क्योंकि जो 888 में जो 888 फैमिली में जो प्रॉब्लम थी हीटिंग की, उसको सॉल्व नहीं कर पाए हैं अभी तक, तो देखते हैं आगे क्या करते हैं, इसको ठंडा रख पाते हैं या नहीं। वैसे आपको पता है कि आईकू 7 लेजेंड ने काफ़ी अच्छे से हैंडल किया था हीट को, तो देखते हैं ये डिवाइसेस कैसा हैंडल करती हैं। तो प्रोसेसर तो आपको पता ही है 8 Gen 1 यहाँ पे होने वाला है, इसकी वजह से आपको परफॉर्मेंस में तो कोई कमी नहीं आएगी, और जो आपका स्कोर वगैरह जाने वाले हैं N22 वगैरह के, वो तो 1 मिलियन यहाँ पे क्रॉस हो ही जाएगा। तो सबसे ज़्यादा वाला जो स्कोर हो सकता है N22 में, वो मैं आपको बोलना चाहूँगा कि 9 या 9 Pro में ही आपको देखने को मिलेगा, तो ये चीज़ आप यहाँ पे देख लीजिएगा। इसके अलावा बात करते हैं जो कन्फर्म्ड यहाँ पे लग रही है वो है यहाँ पे इसकी बैटरीज की बात। इसमें आपको 4700 mAh की बैटरी कन्फर्म्ड है आईकू 9 में, लेकिन प्रो में थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकती है। इसके अलावा 120 W की यहाँ पे फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है दोनों डिवाइसेज में, ये भी यहाँ पे काफ़ी कन्फर्म्ड कर दिया गया है कंपनी की तरफ से। और इसके अलावा जो काफ़ी कन्फर्म्ड यहाँ पे कैमरा की स्पेसिफिकेशन निकल के आई हैं, अगर मैं सिंपल वाले मॉडल की बात करूँ आईकू 9 की, तो उसमें आपको जो कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा वही ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलने वाला है। जो आपको प्राइमरी कैमरा मिलेगा वो सैमसंग का कैमरा होने वाला है G5, वो आपको 50 MP आपको कैमरा देखने को मिल जाएगा। और इसमें आपको सेकेंडरी सुपर वाइड कैमरा देखने को मिलने वाला है 13 MP का, और ये आपको 120 डिग्री का यहाँ पे फील्ड ऑफ व्यू दिखा देगा। और इसके अलावा जो तीसरा कैमरा होने वाला है वो 12 MP का कैमरा होगा, ये होगा यहाँ पे सोनी का IMX663, ये आपको यहाँ पे टेलीफोटो का काम करके देगा, और ऑप्टिकल जूम आप इसमें 2x तक कर सकते हो। तो ये सिंपल वाले मॉडल में आपको कैमरा स्पेसिफिकेशन है जो यहाँ पे हो सकती हैं ये होने वाली हैं। तो इसके अलावा अगर मैं प्रो मॉडल की बात करूँ, प्राइमरी कैमरा तो वही होने वाला है सैमसंग का G5 50 MP का। तो इसके अलावा जो इसका सेकेंडरी कैमरा होने वाला है वो होने वाला है यहाँ पे सैमसंग का J1 कैमरा, ये आपको वही 50 MP का कैमरा देखने को मिल जाएगा। और इसमें आपको जो फील्ड ऑफ व्यू देखने को मिलने वाला है वो 150 डिग्री तक जाएगा, पहले वाले मॉडल में 120 था यहाँ पे 150 कर दिया है, मतलब देख सकते हो कितना यहाँ पे इंप्रूव हो गया है दोनों मॉडल्स में। और जो आपको यहाँ पे थर्ड कैमरा देखने को मिलेगा वो आपको 16 MP का टेलीफोटो लेंस मिलेगा, वो आपको 2.5 times तक आपको जूम प्रोवाइड करके देगा, और इसमें आपको OIS भी देखने को मिल जाएगा। और जो कैमरा सेटअप यहाँ पे होने वाला है ये आप इसकी बैक के ऊपर देख सकते हो, उसकी शेप यहाँ पे पूरा रेक्टेंगल यहाँ पे बार बना दिया है, वैसे तो शेप वही एल वाली शेप दिखाई हुई है, लेकिन इसमें जो पूरा बार दिखाया है इसमें अभी देखते हैं क्या वो करने वाले हैं, इस बार को क्यों बनाया गया है ये बाद में पता चलेगा, कुछ लिखा हुआ
हुआ है या इसका कोई और पर्पस है, ये आगे लॉन्च के बाद आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये यहाँ पे कैमरा की स्पेसिफिकेशन जो यहाँ पे फाइनल यहाँ पे निकल के सामने आई हैं। तो ये तो थी सारी की सारी जो लीक्स जो यहाँ पे कन्फर्म्ड हैं iQOO 9 सीरीज को लेके। मैं iQOO 9 को यहाँ पे कवर करने की कोशिश करूँगा, जब भी इंडिया में लॉन्च होता है इसको हम बाय भी करेंगे और रिव्यू भी करूँगा और अनबॉक्सिंग आपको देखने को मिल जाएगी इस डिवाइस की। यहाँ पे मैं पहले iQOO 8 यहाँ पे बाय करना चाहता था लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली इंडिया में लॉन्च ही नहीं हुआ, तो अब iQOO 9 सीरीज को हम बाय करेंगे और उसका आपको मैं रिव्यू भी ला के दूंगा जल्दी से जल्दी जब भी इंडिया में लॉन्च होता है। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है और मेरी जो इन्फॉर्मेशन रहती है अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो मिलते हैं एक ऐसी नई धमाकेदार वीडियो में।